दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था और क्षेत्रवाद व जातिवाद से भरी राजनीति आपके जहन में आती होगी। गर्मी के दिनों में यहाँ की चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो यहाँ की आम बातें हैं, लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया था। यह एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। उत्तर प्रदेश राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दे भी यहाँ सबसे आगे रहते हैं। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कानपुरी मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि के कारणों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और यहाँ के लोग हिंदी को अलग अलग रूप में बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी भी जुगाड़ से हो जाए। भारत में ठगी जाने वाली जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यूपी में ही रहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले हैं और 15 डिवीजन है। यहाँ की जनसंख्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। यूपी के बारे में यह बात बहुत फेमस है कि यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू को हवा में आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के फसल उगाए जाते हैं। सातों अजूबों में से एक और आगरा का फेमस ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश से जुड़े एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी इस तरह की धमाकेदार वीडियो अपने लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।